बस्मिल्ल रन रही असल डे स्टूडेंट्स आई एम प्रोफेसर वक़ार अली फ्रॉम पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आज हम लेक्चर नंबर टू चैप्टर नंबर वन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करेंगे वैसे तो याद रखिएगा कि दुनिया में हंड्रेड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन याद रखेगा हम जो आज डिस्कशन करेंगे वह सारी की सारी उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में होगी जो कि आजकल के, आज, के दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक हो गया अब हम देखते हैं कि आजकल के दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले यहां जो आज से पहले सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते थे वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं यानी कि कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि वेल नॉन थे जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए गए या बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी डिस्कशन की जाए कहते हैं आज की जो डिस्कशन है उसके अंदर हमारे पास चार कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे जिसमें सबसे पहले डास्क फिर हम बात करेंगे विंडोज फिर हम बात करेंगे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की और लास्ट में बात करेंगे यूनिक्स के हारे से अब वन वन बाय इनकी एक्सप्लेनेशन की, की तरफ आते हैं सबसे पहले बात करते हैं डॉस डॉस बेसिकली है क्या इट्स अ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बात क्लियर हुई इट्स अ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये डेवलप किया गया था इन नाइनटीन यानी कि एग्जैक्ट डेट की बात अभी नहीं की जा रही बल्कि उस दहाई की बात की जा रही है उन दस सालों की बात की जा रही है कि जो कि 1970 से स्टार्ट होकर 1979 को रिप्रेजेंट को रिप्रेजेंट करें इसीलिए उसने इसको ब्रॉड कर दिया है ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की बात की है और कहा है कि ये जब डेवलप किया गया तो किस दहाई में डिवेलप किया गया नाइनटीन के अंदर और फिर कहता है क्या है कि ये जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम था याद रखिएगा इसको डॉस इस वजह से कहा जाता था इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इस वजह से कहा जाता था कि ये पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल फ्लॉपी डिस्क के ऊपर स्टोर होता था देखिए मैंने बात की ना ये एक सिंगल फ्लॉपी डिस्क के ऊपर स्टोर होता था इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये साइज में बहुत कम था ठीक है साइज में बहुत काम होने का मतलब यह है कि इसका साइज इतना था कि यह एक सिंगल फ्लॉपी डिस्क के ऊपर स्टोर किया जा सकता था इसी वजह से इसका नाम क्या था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इससे नेक्स्ट बात वो क्या कहता है कहता है याद रखें यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसके अंदर एक वक्त में सिर्फ एक टास्क ही परफॉर्म करवाया जाता था और इसे एक वक्त में कोई एक यूजर ही इस्तेमाल कर सकता था इसी वजह से इसे क्या कहा गया सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एक वक्त में एक यूजर ऑपरेट करवा सकता है और एक ही टास्क परफॉर्म किया जा सकता है लेकिन याद रखिए ऐसा क्यों है उसकी वजह क्या थी कि एक यूजर ही यूज कर सकता है और एक ही टास्क एक वक्त में परफॉर्म करवाया जा सकता है उसकी वजह यह थी याद रखें कि यह कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था कमांड लाइन टेक्स्ट बेस यानी कि जो भी टास्क परफॉर्म करवाना है इसके जरिए वो हमें टाइप करके बताना पड़ता था ये एक शेल की तरह था ये एक कमांड प्रॉम्प्ट की तरह था कि ब्लैक स्क्रीन थी उसके ऊपर आपको डिफरेंट कमांड्स देनी पड़ती थी और कमांड टाइप करनी पड़ती क्या करना पड़ता था कमांड टाइप करनी पड़ती थी और जब भी इंसान कमांड टाइप करने की बात करता है तो इसका मतलब है उसे कमांड्स का याद होना मेमोराइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है उसको पता होना चाहिए कि कौन सा टास्क परफॉर्म करवाने के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल की जाती है यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस को यानी कि डॉस को इस्तेमाल करने के लिए कोई आम इंसान की जरूरत नहीं थी बल्कि एक प्रोफेशनल होना जरूरी था जिसे तमाम की तमाम कमांड्स का पता होना चाहिए और जब उसे तमाम कमांड्स का पता होगा तो इजीली वो क्या कर सकता है उन कमांड्स के जरिए तमाम के तमाम काम वो इजीली परफॉर्म करवा सकता है टास्क इजीली परफॉर्म करवा सकता है यहां तक बात क्लियर हुई कहते हैं याद रखें यूजर जोन से जब तक कमांड टाइप नहीं करेगा कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं होगा अब उसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं टास्क के हवाले से के जी कौन कौन सी कमांड्स हम यूज कर सकते हैं बहुत दो सिंपल सी एग्जांपल्स की बात करते हैं जैसे कि पहली कमांड है सी डी सी डी इज अ शार्ट फॉर्म ऑफ चेंज डायरेक्ट्री डायरेक्टरी पहले हम इस्तेमाल करते थे ये लव्स ये वर्ड लेकिन ये किसका अल्टरनेट है याद रखिएगा ये फोल्डर्स जो कि हम विंडोज में बनाते हैं उसका अल्टरनेट है यानी कि डायरेक्टरीज और फोल्डर्स एक ही चीज है बात क्लियर हुई लिहाजा सी डी का क्या मतलब है चेंज चेंज डायरेक्टरी फोल्डर यानी कि आप किसी एक फोल्डर में हैं तो सी डी की कमांड के जरिए आप किसी दूसरे फोल्डर किसी दूसरी लोकेशन में मूव कर सकते हैं उसके बाद है कमांड डायर डी आई आर डायरेक्टरी की शॉर्ट फॉर्म ये जब कमांड टाइप की जाती है और एंटर की, की प्रेस की जाती है तो याद रखें वो क्या करता है उस डायरेक्टरी के अंदर जहां पर यह कमांड टाइप की गई है उस फोल्डर के अंदर जहां पर यह कमांड टाइप की गई है या उस ड्राइव के अंदर जहां पर यह कमांड टाइप की गई है यूजिंग कमांड लाइन याद रखिएगा ये उस फोल्डर उस ड्राइव के अंदर मौजूद तमाम की तमाम फाइल्स और जितने भी फोल्डर्स उसके अंदर मौजूद है वो सामने आपको दिखा देता है कि ये ये फाइल्स और ये ये फोल्डर यहां पर इस डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं यहां तक हमारा जो उनसे डॉस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स नेक्स्टपोर्ट और रिमेनिंग जो उनसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है कॉमनली यूज उनके बारे में बात करते हैं चले मूव करते हैं टूवर्ड्स नेक्स्टपोर्ट जी डे स्टूडेंट्स हम बात कर चुके हैं अपनी किसके हवाले से डॉस के हवाले से अब हम डिस्कशन करेंगे सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि विंडोज है उसके हवाले से विंडोज आज कल के दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑल ओवर द वर्ल्ड बात क्लियर हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है जो कि किसने डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन और कहते हैं कब डेवलप किया नाइनटीन में आप सब लोग आजकल जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट किसकी है बेसिकली बिल गेट्स की बिल गेट्स ने ही पहला ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था डॉस फिर कन्वर्ट किया उसे विंडोज पे उसकी वजह क्या थी वो चाहता यह था कि दुनिया के ऊपर मेरी हुकूमत हो खासकर आईटी इंडस्ट्रीज में और आज आप देख सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा है विंडोज है कहते हैं नाइनटीन से लेकर 2020 तक आप अगर गौर करें तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो इरा बनता है वो 20 और प्लस 20, 40 इयर्स का बनता है और इस 40 इयर्स में पूरी दुनिया पर जिसे हम डिजिटल वर्ल्ड अभी कह रहे हैं जिसे हम ग्लोबल विलेज बना रहे हैं और यहाँ ग्लोबल विलेज कहते हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा रोल जो प्ले किया गया है, वो जो शख्स था वो बिल गेट्स था जो कि माइक्रोसॉफ्ट का बानी था और उसने विंडोज़ जब लॉन्च की थी तो बहुत ज़्यादा चेंजेस जो उनकी रूनमा हुई थी वो चेंजेस क्या थी कि दुनिया में आईटी का दौर स्टार्ट हो चुका था और दुनिया में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर इंडस्ट्री ने ग्रो करना शुरू किया था अब यहां पर जरा गौर कीजिएगा जो सबसे मेन बात कहता है विंडोज के हवाले से और डॉस में जो चेंजेस थी डॉस में आपका एक प्रोफेशनल यूजर जिसको तमाम के तमाम कमांड्स याद होती थी मेमोराइज होती थी वही उसे ऑपरेट कर सकता था दुनिया में विंडोज के आने के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली आई वो क्या थी कि अब कंप्यूटर को कोई प्रोफेशनल इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि याद रखिएगा एक आम लेमैन एक आम इंसान जो से वो भी इजीली इसे ऑपरेट कर सकता है उसकी वजह क्या थी उसकी वजह ये थी कि इंटरफेस को पूरा का पूरा तब्दील कर दिया गया और उस इंटरफेस को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे चेंज कर दिया गया यानी कि पहले क्या किया जाता था कमांड्स के जरिए आप जो इंस्ट्रक्ट करते थे अब क्या है अब आपके पास डिफरेंट इकन्स हैं जो कि छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं लेबल्ड होती हैं जिनके ऊपर क्लिक करने से कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है फिर थे, फिर थे थे और यहां पर सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि माउस की जो है वो बढ़ गई आप क्या करते हैं माउस के जरिए डबल क्लिक या सिंगल क्लिक करके या राइट right क्लिक करके डिफरेंट ऑप्शंस में से जो भी टास्क या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो ईजिली करवा सकते हैं यही वजह थी कि आईटी इंडस्ट्री को विंडोज ने बहुत जल्दी ग्रो करवाया और आज आप देख सकते हैं कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन है बात क्लियर अब देखते हैं कुछ चीजें कहता है डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इन नाइनटीन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नो नीड टू मेमोराइज कमांड कमांड की तो यहां पर जरूरत ही नहीं थी क्योंकि हम कमांड्स याद नहीं करना चाह रहे थे क्यों उसकी वजह यह थी कि आप क्या करते थे जो सा यूज़ करते थे कमांड जो सी देते थे जो आप एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते थे वो माउस क्लिक के ज़रिए करवाते थे और माउस कैसे क्लिक करते थे किसी आइकन्स के ऊपर किसी मेन्यू के ऑप्शन के ऊपर किसी बटन के ऊपर क्लिक करके वो आप ऑपरेशन परफॉर्म करवा लेते थे याद रखिएगा इस ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से कि ये मल्टी यूज़र और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि मल्टीपल यूज़र इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सेम टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवाए जा सकते हैं एट द सेम टाइम इसी वजह से इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है यहां तक बात क्लियर होगी अच्छा इसकी एग्जाम्पल्स में अगर बात करें तो कहते हैं हमारे पास बहुत सी डिफरेंट एग्जाम्पल हैं जैसे कि हमारे पास पहले जोनसी विंडोज नाइन फाइव नाइनटी एट थी याद रखिएगा वो ओल्ड वर्जनस थे वो आपके मल्टी यूजर्स नहीं थे फिर उसके बाद हमारे पास जो विंडोज 2000 एंड इस ऑनवर्ड विंडोज एक्सपी विंडोज सेवन विंडोज एन टी विंडोज एट एट पॉइंट वन टेन ये सारे के सारे जोन से हैं ये किसकी एग्जाम्पल में आते हैं आपकी विंडोज के एग्जाम्पल में आते हैं यहां तक बात क्लियर होगी अब हम चलते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मैक केयर इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैकॉश ठीक है इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैकेश अब यहां पर वो बात क्या करता है कहते हैं एक सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि किसने डिवेलप की कहते हैं मैकेश फैमिली ऑफ और एप्पल इन कॉरपोरेशन इस बात को याद रखिएगा बुक में जब देखेंगे तो हो सकता है एप्पल की जगह यहां पे पोटैटो लिखा हुआ नजर आए जरा क्लियर कर लीजिएगा कि ये जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एप्पल इन कॉरपोरेशन ने क्या किया था बनाए थे डेवलप किए थे और उसमें भी मैक फैमिली ने जो है इसको डिवेलप किया था यहां तक बात क्लियर होगी नेक्स्ट क्या कहता है कहता है याद रखें इसकी एक रिस्ट्रिक्शन भी है एक लिमिटेशन भी है और वो लिमिटेशन ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसे क्या कर सकते हैं एप्पल की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं एप्पल के जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं इसके अलावा जितने भी आपकी आई की मशीन्स थी उनके ऊपर इसे इंस्टॉल नहीं किया जा सकता कहता है याद रखें इसके अंदर जो कॉमनली यूज आपका वर्जन है वो आपका ओ एस एक्स के नाम से एक्स याद रखिएगा जो कि रोमन आपके वर्ड्स होते हैं उनके अंदर टेन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है टेंथ नंबर को इसलिए वो कहता है कि ये जो सा था टेंथ मेजर रिलीज था आपका मैक ओ का ठीक है जो कि बहुत ज़्यादा देर तक इस्तेमाल किया गया अब इसके जो से लेटेस्ट वर्जनस भी मौजूद हैं कहता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता ये पहले हम बात कर चुके हैं उसकी वजह क्या है बहुत ज़्यादा ना इस्तेमाल होने की कि ये सिर्फ और सिर्फ एप्पल की प्रोडक्ट के ऊपर इंस्टॉल किया जा सकता है इसके अलावा इस इंस्टॉल नहीं किया जा सकता कहता है क्वालिटी के बारे में अगर बात की जाए तो कहता है इसकी क्वालिटी बहुत हाई है लेकिन इसके साथ साथ इसके जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इस वजह से हर आम यूज़र इसे अफोर्ड नहीं कर सकता जबकि इसके मुकाबले में जो आई की प्रोडक्ट्स हैं आई के कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या लेस इन कॉस्ट हैं ठीक है लेस कॉस्टली हैं जिसकी वजह से आम ले मैन भी उसे इजीली परचेज करके इस्तेमाल कर सकता है और यही वजह है कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल दुनिया में कम है एज़ कंपेयर टू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ तक बात क्लियर होगी अब मूव करते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और देखते हैं जो कि लास्ट हमने कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की है दैट इज़ योर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मूव करते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड जी डे स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम में से लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमने डिस्कस करना है दैट इज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो कहते हैं ये डिवेलप किया गया था नाइनटीन सेवेंटीज में और ये डिवेलप किया गया था एक लैब के अंदर जिसका तस्करा बहुत ज्यादा किया जाता है आई टी इंडस्ट्रीज के अंदर जिसका नाम है बेल लैब ठीक है ओके कहते हैं ये जो डेवलप किया गया था कहते हैं ये किसी एक शख्स की मेहनत नहीं थी बल्कि दो मेन लोग थे जो कि इसे डेवलप कर रहे थे जिनमें एक का नाम था डेनिस रिचि और दूसरे का नाम था कैन थॉम्पसन कहते हैं ये दो लोग याद रखिएगा बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस के भी डेवलपर हैं इसी वजह से अगर आगे बात देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डेवलप किया गया था सी लैंग्वेज में और सी लैंग्वेज के डेवलपर्स की बात की जाए तो उसमें भी डेनिस रिची आपका क्या है सर फेरिस्ट है ये डेवलपर ऑफ द सी लैंग्वेज था इसी वजह से इसने क्या किया जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया यूनिक्स वो भी क्या किया गया याद रखें वो भी सी लैंग्वेज के अंदर ही डिजाइन किया गया और फिर इसके बाद बात करते हैं कि जो ये है इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है फास्टली परफॉर्म करता है और सिक्योरिटी के वाले से भी बात की जाए तो इसकी सिक्योरिटी जितने भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हैं इनमें सबसे बेस्ट है ठीक हो गया फिर बात करता है कि जी याद रखिएगा कि ये यूज करते हुए भी वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है अब जरा गौर करें वो वाइड रेंज क्या है कहता है मिनी कंप्यूटर से लेकर मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स तक अब इस चीज को बड़े गौर से देखिएगा जब हमने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में कोर्स पढ़ा था तो उसमें हमने डिस्कशन की थी डिफरेंट क्लासिफिकेशन की मिनी कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मोस्टली सर्वर्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं ये वो कंप्यूटर्स हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई वेबसाइट एग्जिस्ट कर रही होती है जो कि वेब सर्वर के, के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं और फिर याद रखें इनमें से हंड्रेड और थाउजेंड ऑफ यूजर्स एक वक्त में इसे रिक्वेस्ट कर, कर अपनी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहे होते हैं इसका मतलब है ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा वाइडली इस्तेमाल किया जाता है आज कल भी उसकी वजह क्या थी मैं पहले बता चुका हूँ कि ये इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा फास्ट है इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी सिक्योरिटी बेटर है बात क्लियर हुई फिर सबसे बड़ी बात कहता है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन सोर्स का क्या मतलब है जिसका सोर्स कोड भी ओपनली अवेलेबल है आप अपनी मर्जी से इसके सोर्स कोड में कोई चेंजिंग करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं बात क्लियर होगी फिर बात करता है आपके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ एडवांटेजेस की वो एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहली बात कहते हैं ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर है, है। क्यों ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर की जैसे ही बात करेंगे हमने पहले बात की है कि जी वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर ये इंस्टॉल किया जा सकता है कौन कौन से मिनी कंप्यूटर से लेकर मेन फ्रेम्स तक और मिनी और मेन फ्रेम एक ही वक्त में हंड्रेड से लेकर थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को एक ही वक्त में क्या कर सकता है वर्किंग करवा सकता है प्रोसेस कर सकता है मैनेज कर सकता है बात क्लियर हुई एक ही वक्त में थाउजेंड ऑफ यूजर्स को एक सिंगल सिस्टम मैनेज कर रहा है तो याद रखें हार्डवेयर को मैनेज किसने करना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका मतलब है आपका जो यूनिक्स है वो इतना पावरफुल इतना बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक वक्त में मल्टीपल यूजर और मल्टीपल भी कितने थाउजेंड ऑफ यूजर्स को मैनेज करने की सलाहियत रखता है इसीलिए कहते हैं इसके अंदर जो प्रोसेसिंग पावर है वो बहुत हाई है और फिर इसके साथ साथ इसकी सिक्योरिटी की भी है, क्या है एक्स्ट्राऑर्डनरी वजह क्या है कहता है यूनिक्स की जो एक्सटेंशनज हैं फाइल्स की वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ विंडोज़ के अंदर हम क्या करते हैं जितने भी आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं वो क्या होती हैं वो प्रोग्राम का सेटअप होती हैं या कोई नया सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए यूज़ की जाती हैं कहता है जबकि याद रखिएगा यूनिक्स डॉट एग्जी फाइल को एग्जीक्यूट ही नहीं करता वो उस एक्सटेंशन को पहचानता ही नहीं है इसी वजह से इसके ऊपर जो थ्रेड्स की रेशो है वो बहुत रेयर है बहुत कम है इसके ऊपर अटैक ना होने के बराबर किया जा सकता है इसीलिए आप देखें जो हमारे मेन सर्वर्स हैं उनके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है वो कौन सा है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं मोर स्क्योर एंड मे रेयरली मालवेयर अटैक कहते हैं इसके ऊपर यह पॉइंट हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि जी इसकी सिक्योरिटी बहुत हाई है वो बाद में बता चुका हूँ कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जिसके ऊपर जो सी हैं वो वर्किंग नहीं करती वो एग्जीक्यूट नहीं होती वो रन नहीं होती इसी वजह से जो मालवेयर अटैक होते हैं वो बहुत रेयर हैं किसी किस्म के अटैक से ही अपने आप को बहुत ईज़िली महफूज़ रख सकता है और लास्ट में वही बात की गई है कि जी वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटर्स यानी कि मिनी कंप्यूटर से लेकर मेन फ्रेम कम्प्यूटर्स तक ये अपने आप को इंस्टॉल करवा सकता है या इनके ऊपर इंस्टॉल होता है और बेहतरीन वर्किंग के साथ थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को यह क्या कर रहा होता है मैनेज कर रहा होता है लेकिन अभी भी बात की जाए तो एज़ कंपेयर टू विंडोज़ याद रखिएगा इसका यूजेज कम है क्योंकि जो विंडोज़ है उसके बारे में अगर डिस्कशन की जाए तो वो क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि हम घर में जो कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये सारे के सारे बेसिकली क्या हैं क्लाइंट client है क्लाइंट्स की तादाद हमेशा सर्वर से क्या होती है ज़्यादा होती है और जबकि यूनिक्स आपका मोस्टली सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है इसी वजह से इसको कोई स्पेसिफिक मशीन जानी कि मिनी कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे यूज़ किए जा रहे हैं जबकि आपका विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये तमाम टाइप्स के जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं ठीक है, है जिसमें आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिसमें आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं जिसमें आपके पास आजकल पाम पॉम टॉप जिसे हम स्मार्टफोन्स कहते हैं ये सारे के सारे हैं टैबलेट्स वगैरह ये सारे के सारे इसे इजीली इस्तेमाल कर रहे होते हैं ठीक हो गया यहाँ तक अब देख लें कि आज के लेक्चर में हमने कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस की डिस्कशन की फिर विंडोज़ को डिस्कस किया फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया और लास्ट में हमने यूनिक्स को डिस्कस करने के बाद उसके डिफरेंट एडवाटेज़ देखें अगर एडवाटिजेज़ के अतबार से देखें तो यूनिक्स के एडवांटेज एज कम्पेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा है लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखिएगा विंडोज़ ही है उसकी वजह मैं बता चुका हूँ इट्स अ क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इसे इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू डॉस एज कम्पेयर टू मैक एज़ कम्पेयर टू यूनिक्स इसी वजह से विंडोज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी थैंक यू अल्लाह हाफिज़